हेलो बच्चों, वर्कशीट 21 में हमें मानव में पाचन तंत्र पढ़ना है। जिज्ञासा, जरा मुझे बताओ, जो हम भोजन खाते हैं उसका हमारे शरीर में जाकर क्या होता है? आओ अपनी टीचर से पाचन तंत्र ही समझ लेते हैं। हेलो बच्चों, आज हमें वर्कशीट 21 में मानव में पाचन तंत्र पढ़ना है। हमारे पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं मुख, मुखगुहिका, मुख में उपस्थित होती है जीभ, भोजनली, आमाशय, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, शूद्र आंत्र और वृद्ध आंत्र। इन सभी अंगों से होते हुए भोजन हमारे शरीर में पाचित होता है और उसके बाद भोजन हमारे रक्त में मिल जाता है, जिससे वह हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुँच कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तथा जो भोजन का अपाचित पदार्थ होता है वह वृद्ध आंत्र से होता हुआ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार हमारे शरीर में पाचन होता है। मानव में पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। जब हम भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम अंत ग्रहण कहते हैं। इसका अर्थ है अंत मतलब अंदर और ग्रहण मतलब ले लेना। जैसे ही भोजन मुख में पहुंचता है जीभ लार में इसको मिला देती है, जो कि लाला ग्रंथि से निकलती है, और दांत इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यहाँ पर छोटे टुकड़ों में टूटने पर कार्बोहाइड्रेट थोड़े सरल पदार्थों में बदल जाता है। इसके बाद मांसपेशियां इसे भोजन नली यानी ग्रसिका में भेज देती हैं, और ग्रसिका में उपस्थित मांसपेशियां ऊपर और नीचे की तरफ गति करती हैं। ऊपर नीचे की गति करने के दौरान इसे आमाशय में धकेल दिया जाता है। आमाशय के अंदर तीन पदार्थ स्रावित होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक रस और श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस भोजन पर गिरने के बाद भोजन को अम्लीय बना देता है। पाचक रस में उपस्थित एंजाइम भोजन को पाचन करते हैं। श्लेष्मा इसलिए उपस्थित होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय को किसी प्रकार नुकसान ना पहुंचाए। इसके पश्चात आमाशय से यह भोजन आंत्र की तरफ चलता है। आंत्र में पहुंचते समय यकृत और पित्ताशय एवं अग्नाशय ये सभी मिलकर भोजन को क्षारीय बना देते हैं। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो एक पतले पत्ते के आकार की होती है। इससे अग्नाशय रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में बदल देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से सरल शर्करा बन जाएगा जिससे ग्लूकोज बनेगा, और वसा से वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल बन जाएगा। इसी प्रकार प्रोटीन अमाइनो अम्ल में बदल जाएगा। यह अब सरल पदार्थों में बदल गया है। इसके बाद इसे अग्नाशय से निकले हुए रस के द्वारा क्षारीय होने के बाद यह शूद्र आंत्र में पहुंचता है। शूद्र का मतलब छोटी, आंत्र मतलब आंत। कहने को यह छोटी आंत्र है क्योंकि यह बहुत पतली होती है, लेकिन लंबाई में यह 8 मीटर की होती है। इसी कारण यह छोटी सी जगह पर सिकुड़ करके उपस्थित होती है, और इसमें से जब भोजन निकल कर जाता है तो इसमें कुछ स्राव स्रावित होते हैं जो भोजन पर गिरते हैं। इसके बाद यह वृद्ध आंत्र से जुड़ी होती है। जब इसमें भोजन पहुंचता है तो इसमें उपस्थित रुधिर वाहिकाएं यानी कि रुधिर के रेशे जैसी संरचनाएं, जिससे भोजन अवशोषित हो जाता है यानी वह भोजन को सोख लेती हैं, और उंगलियों जैसी संरचनाएं जो इसमें उपस्थित होती हैं जिसे दीर्घ रोम कहते हैं, यह दीर्घ रोम
इस भोजन को सोखने के बाद रक्त में भेज देती हैं, हमारे भोजन को पूरे शरीर में लेके जाता है। वृद्ध मतलब बड़ी, आंत्र मतलब आंत, यानी वह आंत जो देखने में बड़ी लगती है, क्योंकि वृद्ध आंत्र काफी चौड़ी होती है। यह 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका कार्य है जल तथा लवणों का अवशोषण कर लेना। वृद्ध आंत्र में कुछ बचा हुआ अवशोषण हो जाता है, जिससे भोजन में उपस्थित जल को सोख लिया जाता है। इसके बाद जो भोजन अपचित रह गया, उस अपचित भोजन को मलाशय में भेज दिया जाता है, जिससे कि वह ठोस रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब मल द्वारा यह बाहर निकाला जाता है तो इस विधि को हम निष्कासन कहते हैं। आइए अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यकृत का क्या कार्य होता है? यकृत शरीर की एक बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। प्रश्न 2, पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? जीवाणु नष्ट करना और भोजन का संपूर्ण पाचन। जीवाणु नष्ट करने का कार्य आमाशय में होता है। आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ पहुंचे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन का संपूर्ण पाचन शुद्र आंत्र में होता है। प्रश्न 3, दीर्घरोम अथवा रसांकुर किसे कहते हैं? शुद्र आंत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। आपको यह चित्र बनाना है।